hello students this side Pushpen singh Rajavad from the resonance pccp department students today we are discussing about the cbse term to science pattern sample paper has been released i hope you all have went through this sample paper so the sample paper is in the subjective type so students what is the level of the question how the question will come in your examinations we are discussing here in this particular presentation so students looking for

सिंपली आपके क्वेश्चन होंगे आपको वहां करने हैं टर्म वन में भी करें वैसे ही आपके टर्म टू के अंदर भी क्वेश्चन पेपर आएगा अब इन 15 में किस तरीके से मार्किंग होगी आपकी कितना इसका लेवल आएगा कितने इजी टाइप के आएंगे कितने डिफिकल्ट लेवल के आएंगे कितने मॉडरेट क्वेश्चन आएंगे उनको भी अपन नेक्स्ट लाइन में देखते हैं तो फिफ्टीन क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर से आपके सेवन क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं टू मार्क्स के हैं ठीक है थीके? जो कि आपके सेक्शन ए के अंदर आएंगे होंगे सेक्शन सी के अंदर आपके फोर मार्क्स के, के पैराग्राफ होंगे, होंगे या फिर जिसको अपन बोल सकते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे यानी आपको वहां पे एक पैराग्राफ की फॉर्म में पूरा का पूरा पैटर्न क्वेश्चन दिया जाएगा उसके अंदर से आपको कुछ चीजें कुछ एप्लीकेशन उसके अंदर से पूछी जाएगी सो so, ध्यान रखना बच्चों आप सेक्शन ए सेक्शन बी एंड सेक्शन सी सेक्शन ए में आपके सेवन क्वेश्चन है टू मार्क्स के सेक्शन बी में आपके सिक्स क्वेश्चन है थ्री मार्क्स के और सेक्शन सी आपका टू क्वेश्चन आएंगे होंगे आपको यहाँ पे चॉइसेस कहाँ पे मिलेगी चॉइसेस आपको इंटरनल चॉइसेस की फॉर्म में मिलेगी यानी किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको आउट ऑफ द टू क्वेश्चंस किसी भी एक को अटेम्प्ट करना है बट अटेम्प्टिंग एनी वन क्वेश्चन इज कंपलसरी सो हियर इंटरनल चॉइसेस हैव बीन प्रोवाइडेड इन Only only some questions, questions. questions not in all the the So So a student have to attempt only one of alternatives. students को मिलेंगे नेक्स्ट अब बात करते हैं आपके डिफिकल्टी लेवल की तो डिफिकल्टी लेवल यहाँ पे सीबीएसई ने जैसे आपके टर्म वन में था वैसा ही आपका डिफिकल्टी लेवल यहाँ पे भी चूज कराए बट यहाँ पे पहले जो आपके क्वेश्चन आते थे सिंपल इस टाइप से कि आप वहाँ पे uh,

वाला पार्ट ले लिया अपन एक्जैक्टली exactly नहीं बोल रहे हैं में बता रहे हैं कितना 37 45 होंगे आपके इजी टाइप के एनसीआर में लिंक करते हुए आपके क्वेश्चंस होंगे जैसे आपने बैक क्वेश्चंस देखे हैं वैसे ही आपने दूसरे इंटेक्स क्वेश्चन होते हैं जिनको अपन सिंपली आस्क योर प्रॉब्लम्स में पूछा जाता है इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे जो आपके क्वेश्चंस होंगे या किसी लाइन में आपको पूछ लिया कोई सी भी पर्टिकुलर पैराग्राफ आपको दे दिया उसके बाद में एकगरी तो होगी आपकी मॉडरेट में बेसिस पे, पे आपसे क्वेश्चन को पूछा जाएगा जैसे आपने कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा जस्ट फॉर एक्साम्पल आपने केमिस्ट्री में पढ़ लिया एसिडिक ऑक्साइड के बारे में पढ़ लिया तो वहीं से उसके एप्लीकेशन के बारे में भी कुछ चीजें पूछ ली जाएगी आपने एसिड बेसिस

आएगा आपके टॉपिक में से ही और उसी के बेसिस पे आपको वहां पे उसके आंसर करने हैं थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है सीबीएसई का पहले के कंपैरिजन में अगर आप पहले के प्रीवियस पे, क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें से और इसके अंदर आपको थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिलेगा तो ओवरऑल अगर मैं आपसे बात करूं किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है तो पेपर का लेवल किस कितना है ये तो आपने देख ही लिया कुछ इजी टाइप्स हैं कुछ मोडेड टाइप है कुछ डिफिकल्ट टाइप है बट ओवरऑल आपका थोड़ा सा

टेलिंग यू अगेन एंड अगेन बार बार आपको बोल रहा हूं आपको एनसीआरटी की लाइन को बार बार स्टडी करना है बार बार उनको पढ़ना है बार बार पढ़ने का मतलब है अगर वहां पे कुछ क्वेश्चन आपका बनता है तो आप उस क्वेश्चन को फ्रेम करें उस क्वेश्चन को खुद से करें उसके क्या क्या अप्लीकेशन हो सकते हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे ठीक है सो यू हैव टू प्रिपेयर एनसीआर डिराइव क्वेश्चनआर टी डिराइव क्वेश्चन का मीनिंग यही है कि जब आप एनसीआरटी के लाइन्स को स्टडी करेंगे पढ़ेंगे तो वहां पे आप कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं तो उसी को अपन ने बोला है डिराइव क्वेश्चन तो उन क्वेश्चन को आपको प्रिपेयर करना है खुद से एंड ऑल्सो द एक्टिविटीज एक्टिविटीज में से भी कुछ क्वेश्चन अगर बन पा रहे हैं तो वहां पर भी आपको इन चीजों को देखना है थर्ड दैट इज इवॉल्व थिंकिंग लेवल फ्रॉम द एनसीआर लाइन किस तरीके से अगर एसिड बेस जैसे अगर मैं बात करता हूं आपके टेबल uh, की तो प्रियोडिक टेबल में जो कुछ क्वेश्चन है जैसे मेटल नॉन मेटल से भी लिंक होकर आपके क्वेश्चन आ सकते हैं तो इस तरीके से आपको क्या करना है आपकी थिंकिंग लेवल को भी थोड़ा सा इवॉल्व करके वहां पे क्वेश्चन करना है इसके एग्जाम्स आपके मार्च अप्रैल होने में चांसेस हैं फिर भी कोई फर्दर नोटिफिकेशन आएगा तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे इसके अलावा आपको किस तरीके से ये प्रिपेयर करना है इसके रिगार्डिंग कोई हेल्प चाहिए हो सो रेजोनेंस टीम आपके साथ हमेशा रेडी है सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड स्टूडेंट्स प्रिपेयर करें अच्छे से आपके एग्जाम्स के लिए और कोई फर्दर नोटिफिकेशन आएगा तो उसको भी आपको डिलीवर कर दिया जाएगा थैंक यू स्टूडेंट्स